जो हमारे गृह मंत्री माने ताम्र साहू जी, वो भी विधानसभा में ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वहां जाके भूल जाते हैं कि एसआई की भर्ती होने वाली है, कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। एससी हो चाहे व्यापम हो चाहे शिक्षक की भर्ती हो, जो भी एग्जाम होता है चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, बिना आप छत्तीसगढ़ पढ़े छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था एसआई संबंधित कुछ जानकारी दी थी कि 2016 में टेलीकॉम का जो प्री हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, और 2018 की जो हम लोग को देना है CGSI उसके लिए चयन सूची क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। प्री कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, इसके बाद भी कुछ सवाल रह गए थे जिनके उनका भी जवाब दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि जो CGSI है उसका जो 5 फिजिकल होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि 5 फिजिकल लेना कंपलसरी है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि बिना 5 फिजिकल लिए CGSI कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो CG कांस्टेबल जो हुआ है वो रद्द घोषित हो गया था, उसके बाद हाईकोर्ट गए थे, सिर्फ कारण इसका यही था कि जो फिजिकल था वो ठीक से नहीं लिया गया है, या ऐसा कहीं गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि 5 फिजिकल लिया जा रहा है उसका भी, ठीक है। जो CG कांस्टेबल का जो हुआ है उन्होंने फिजिकल दिया था, रिटर्न दिया था, उन लोग का पेपर हो गया था, मार्क्स आ गए थे, सिर्फ चयन सूची नहीं जारी की गई थी, ठीक है। तो लेकिन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फिजिकल जो थे वो उनको 5 लेना था, अभी जो गवर्नमेंट आई उसको, तो CGSI के 5 फिजिकल हो सकते हैं। तो पिछले जो वीडियो थे उसमें कुछ सवाल ये रह गए थे, जो CGSI का जो मेंस हुआ था 2016 में, मतलब इससे पहले जो भी SI भर्ती हुई उसमें जो मेंस हुआ था वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप था, पहली चीज़। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज है, मेंस मैंने बोल दिया था, तो CGPSC का मेंस नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको टिक करना होता है। दूसरी बात करूँ अगर मैं, तो ये माइनस मार्किंग उस समय नहीं थी, इसमें पूरे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने होते थे, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस बार जब होगा तो उसके बारे में आपको अलग से छोटी मोटी बातें निर्देश आपको अलग से दिया जाएगा, जब भी आप भरने बैठेंगे उसी समय आपको मालूम चल जाता है माइनस मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करनी है मेरे को कि जो 5 फिजिकल अगर लिया जाता है CGSI का, तो हालांकि उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 2018 में जब हम फॉर्म डाले थे तो उसमें 1500 मीटर की दौड़ कही गई थी एग्जाम के लिए कहा गया था। तो चलिए देख दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस बार अगर 5 फिजिकल होते हैं तो किस प्रकार से फिजिकल होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजपत्र जो दिनांक है 1 सितंबर 2006 इसमें जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जो रिसेंट में मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो SI की भर्ती हुई थी 2016 में टेलीकॉम को, वो इसी आधार पे क्या है 5 फिजिकल कराए गए थे SI के लिए। उन 5 फिजिकल की मैं डिटेल आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें देखिए, जो पहला अटैम्प्ट होने वाला है वो लंबी कूद का अगर आपको मान लिया जाए तो इसमें महिला अभ्यर्थी के लिए अलग से दिया हुआ है और पुरुष अभ्यर्थी के लिए अलग से दिया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ 3 प्रयास आपको दिए जाएंगे, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सबसे 12 फीट से स्टार्ट होती है, 12 फीट आप कूदते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलता। मैं आपको बता दूँ, ये जो फिजिकल होते हैं टोटल 60-60 नंबर के होते हैं, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें 12 फीट आपको कूदते हैं तो इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। 14 फीट आप जाते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, 16 फीट जाते हैं तो आपको 24 नंबर मिलेंगे, 17 फीट जाते हैं तो 36 नंबर मिलेंगे, और 18 फीट जाते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे, और 19 फीट जाते हैं तो 60 नंबर फुल मिल जाएंगे। चूंकि ये SI की भर्ती है, निरीक्षक की पोस्ट होती है, तो जो कांस्टेबल का ही 5 फिजिकल हुआ उससे थोड़ा कम टफ होता है, ठीक है, मतलब कम होता है टफ। ये भी है 5 फिजिकल निकालना पूरे पूरे नंबर, क्योंकि ये 300 नंबर का फिजिकल तो नंबर इसमें ज़्यादा वेटेज हो जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार महिलाओं का भी देखिए, यहाँ पे 8 फीट है, 10 फीट है, 12 फीट है, 13 फीट है, 14 फीट है और 15 फीट है, ठीक है। महिलाओं के लिए 15 फीट में खत्म हो जाता है। यहाँ पे नंबर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कितने कितने नंबर, 0, 12, 24, 36 और 48 नंबर। ये था पहला इवेंट, तीन तीन आपको चांस मिले जाएंगे, तीन तीन चांस दिए जाएंगे। दूसरे इवेंट की बात करूँ तो दूसरा इवेंट है आपका ऊँची कूद। ऊँची कूद में देखेंगे ये भी 60 नंबर का रहेगा। जो लड़के लोग होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को 4 फीट दिया जाएगा। ऊंची कूद में कोई नंबर नहीं था, 4 फीट से स्टार्टिंग होती, मतलब जो आपका पहला जो रॉड लगाया जाएगा वो सिर्फ 4 फीट में लगाया जाएगा। उसका 4 फीट 2 इंच 12 नंबर, 4 फीट 4 इंच 24 नंबर, 4 फीट 6 इंच 36 नंबर, 4 फीट 8 इंच 48 नंबर, 4 फीट 10 इंच 60 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार लड़कियों का भी है, यहाँ 3 फीट से स्टार्ट होता है, लड़कियों को 0 नंबर मिलता है। 3 फीट 2 इंच में आपको 12 नंबर मिलेगा, 3 फीट 4 इंच में आपको 24 नंबर मिलेगा, 3 फीट 6 इंच में आपको 36 नंबर मिलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 48 नंबर, और जो फुल नंबर मिलेंगे वो 3 फीट 10 इंच में आपको 60 नंबर लड़कियों को मिल जाएंगे। थर्ड इवेंट की बात करूं गोला फेंक, इसमें भी देखिए 3 प्रयास यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इस बार के लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि एक ही प्रयास मिलेगा कांस्टेबल की भर्ती में, तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा बताता हूँ आपको। वजन भी किसी ने कमेंट किया था, मेरे याद है कमेंट्स में कि वजन कितनी का होता है लड़कियों का, तो लड़कियों का 8 पाउंड का वजन होगा, लड़कों का 16 पाउंड का होगा, ठीक है।
चार मीटर अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, वैसे ही चार मीटर अगर लड़कियां फेंकती हैं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें लड़कों को और लड़कियों की क्राइटेरिया जो मीटर है वो लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि यहाँ पे वजन कम कर दिया जाता है। ठीक है, 5 मीटर में आपको 12 नंबर मिलेंगे, 6 मीटर में आपको 24 नंबर मिलेंगे, 7 मीटर में आपको 36 नंबर मिलेंगे, 8 मीटर में आपको 48 नंबर मिलेंगे। अगर 9 मीटर से अधिक फेंकते हैं, 9 मीटर फेंकते हैं तभी आपको पूरे नंबर 60 मिलेंगे। उसी प्रकार लड़कियों का भी ये 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, 7 मीटर है, 8 मीटर है और 9 मीटर में क्या होंगे, पूरे 60 नंबर मिलेंगे। 9 मीटर से अधिक फेंकते हैं आपको तो 60 नंबर मिल जाएंगे। अगला इवेंट है 100 मीटर का होने वाला है, इसमें सिर्फ एक ही अटैम्प्ट मिलने वाला है। तो इसमें सेकंड का खेल होता है, अगर 12.5 सेकंड से आप कम में दौड़ते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, और लड़कियों का वही 2 सेकंड बढ़ा हुआ है, 14.5 सेकंड से कम में दौड़ते हैं आप तो आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। तो वैसे ही 13.5 सेकंड आप में दौड़ेंगे तो आपको 48 नंबर मिलेंगे, 14.5 सेकंड में दौड़ेंगे तो 36 नंबर मिलेंगे, 15.5 सेकंड दौड़ेंगे तो 24 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 16.5 सेकंड दौड़ते हैं तो भी आपको 12 नंबर तक मिल सकते हैं 16.5 सेकंड में। अब 20 सेकंड से आपने अधिक समय ले लिया तो फिर तो आप गए 0। उसके बाद देखिए अगर लड़कियों का भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे दिया गया, देखिए 18.5 सेकंड है, यहाँ पे 12 है, 17.5 तक में दौड़ते हैं तो आपको 24 नंबर मिलेंगे, 16.5 तक में दौड़ते हैं तो आपको 36 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर जो सबसे अच्छे नंबर हों 14.5 सेकंड में आपको पूरे के पूरे लड़कियों को 60 नंबर यहाँ से दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखिए जो लास्ट इवेंट है मैं आपको दिखाता हूँ, 1500 मीटर की दौड़ है। ठीक है, तो 60 नंबर लाने के आपको 5 मिनट से कम में मारना पड़ेगा, और 6 मिनट से कम अगर लड़कियां दौड़ती हैं 1500 मीटर तो ये 60 नंबर उनको पूरे मिलेंगे। इस बार जो हुआ था दौड़ उसमें 800 मीटर की दौड़ थी, 1500 मीटर की दौड़ नहीं थी, लेकिन एसआई को 15 मीटर की दौड़ होती है। तो 5 मीटर 10 सेकंड आप दौड़ते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे, 5 मिनट 20 सेकंड में 36 नंबर है, 5 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 24 नंबर है, और 5:40 तक भी आप दौड़ लेंगे तो भी आपको 12 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर 5:50 सेकंड या इससे अधिक होता है तो आपको 40 सेकंड और 6 मिनट 50 सेकंड। यहाँ पे देखिए 60 नंबर है, 48 नंबर है, 36 नंबर है, तो इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको पांचों फिजिकल बता दिए हैं, इसी के हिसाब से 2016 में टेलीकॉम का जो हुआ था वही क्या होता है आपको। तो दोस्तों होप्स आप लोग समझ गए होंगे कि 5 फिजिकल किस प्रकार से ले जाते हैं, सभी के मैंने आपको क्या बता दिए, मार्क्स बता दिए हैं, और सभी का मैंने क्या बता दिया कि किस प्रकार से लिया जाएगा। केवल रनिंग में आपको एक चांस मिलेगा, बाकी समय 3-3 चांस मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने फिजिकल बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले फिजिकल ही होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि पहले रिटर्न होगा उसके बाद ही फिजिकल होगा। अभी आप लोग सिर्फ, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप लोग सिर्फ रनिंग कीजिए जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2018 के बाद इसमें कोई भी कदम ही नहीं उठाया है। जो हमारे गृह मंत्री माने ताम्र साहू जी, वो भी विधानसभा में ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वहां जाके भूल जाते हैं कि एसआई की भर्ती होने वाली है, कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। पिछला जो सत्र हुआ था, अगर मैं बता दूं शीतकालीन जो सत्र हुआ था विधानसभा का दिसंबर में, उसमें ऐसा कह दिया था कि 655 पदों पर आरक्षक की भर्ती प्रक्रियाधीन है, 655 पद एसआई के लिए, 2018 में वो आरक्षक के पद नहीं थे। तो जब तक गवर्नमेंट कुछ ऑफिशियल नहीं जारी कर देती है तब तक क्या कीजिए, आप लोग सिर्फ रनिंग कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम क्या कीजिए, अपनी स्टडी पे लगाइए। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दिखाया है आप लोगों ने, तो इस बात से थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा है कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। आप लोग शेयर शायद वीडियो को नहीं कर रहे हैं मेरे, बहुत लोगों तक मेरा वीडियो नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें और बहुत कम ही लोग तक मेरा वीडियो पहुँच रहे हैं, और सब्सक्राइब भी आप लोग ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि 80% जो मेरे ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, बाकी 20% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है मेरे चैनल को, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी रखता हूँ, अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा अगर रिटर्न होता है पहले तो रिटर्न में आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी, हिंदी कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, जीएस और अपना छत्तीसगढ़। जो जीएस है छत्तीसगढ़ में जितनी भी एग्जाम होते हैं, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, जो भी एग्जाम होता है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, बिना आप छत्तीसगढ़ पढ़े छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात है हमारे प्रदेश के लिए, कोई भी जो बाहर के जो बाहरी जो प्रदेश से व्यक्ति आते हैं, जब तक वहाँ रह नहीं जाते, यहाँ पे यहाँ की बोली भाषा, यहाँ के भूगोल इतिहास को समझ नहीं लेते हैं, तब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पे कोई भी सरकारी पद में जा सके। तो बिना आप छत्तीसगढ़ पढ़े यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं लगा सकते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वो सब अगले वीडियो में बताऊंगा, और मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको मैं वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकूँ सब्जेक्ट्स के, जिससे संबंध में क्या है आपको रिटर्न देना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो पॉसिबल होता है तो आपको सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और सब्जेक्ट भी इसमें चलेंगे, हिंदी चलेगा, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी जो होगी सब चीज़ मैं इसमें लाने का प्रयास करूँगा आप लोग के लिए। तो आप लोग अधिक से अधिक थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, और इसे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है वीडियो बनाते समय। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।